नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय हम रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से गद्य काल पढ़ रहे हैं, है ना। इसके 6 वीडियो पहले बन चुके हैं और इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दीपाली यादव जी को, अनंत कुमार मिश्रा जी को, तुलसी जी को, श्रीनु शर्मा जी को, राम लखन जी को, रितिका जी को, निर्मला जी को, पूजा तिवारी जी को, सीमा सोनी जी को, उसके अलावा राम राम लिखा हुआ है राम राम जी को, अंतिम वाला जी को, दीपक कुमार जी को, इला शुक्ला जी को, अमूल जी को, दिव्येश जी को, मोनू त्रिपाठी जी, इंद्र भूषण जी, मधु राजपूत जी, सानवी जी, दीप कौर जी, उसके अलावा निपंजय, कंचन लता जी, आप विकास दुबे जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सीमा सोनी जी तो बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, थैंक्स अ लॉट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम तो भारतेंदु मंडली के बारे में पढ़ रहे थे और उनके एक एक जो भी उस मंडली में शामिल थे, उन्होंने उन कवियों ने हिंदी साहित्य में क्या योगदान किया, किस तरह से हिंदी को माझा, ये जानते हुए हम चल रहे हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले बाबू तोताराम जी की। ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। बीए पास करके ये हेड मास्टर हुए और अंत में नौकरी छोड़ अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकाल दिए, ठीक है। हिंदी का हर प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए, उस समय इनका साथ देने वाले थे ये भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्रिका में के लेखकों में भी थे। हरिश्चंद्रिका जो भारतेंदु जी की मैगजीन थी, उसमें भी ये लेख लिखते थे। उसमें कीर्ति केतु नाम का इनका एक नाटक भी निकला था। अब देखिए, कीर्ति केतु किसने लिखा है? कीर्ति केतु लिखा है बाबू तोताराम जी ने। प्रश्न पूछा जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा की सहायता अर्पित की थी, जैसे केतु का तांत नाटक जो अंग्रेजी का अनुवाद था, स्त्री सुबोधनी। भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित। इनकी कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देखिए, चलिए देख लेते हैं। ये कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु बिचारी की क्या चलती, जो पराधीन होने से ही प्रसन्न रहता है और सिसुमार की शरण चाप गिरने से चाप। हमारा पिता अति पुत्र में बैठा हुआ प्रथा रामावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए। नभपुर की निवल सेना और एक रीति थोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई वह उसके संत। हे ईश्वर, भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों में नीचे लिखे महानुभावों का भी विशेष उल्लेख। देख लेते हैं भारतेंदु जी का साथ देने वाले उन लेखकों का थोड़ा थोड़ा परिचय। पंडित केशव राम भट्ट जी महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जात संबुल और समसाद सौसल नामक के दो नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। वो आप नाटकों के नाम से भी आपको ये लग रहा होगा, है ना। तो इनकी भाषा उर्दू ही थी और इनको किसने लिखा था? पंडित केशव राम भट्ट ने। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वे वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए। वर्तमान जीवन को मतलब उस समय के जीवन को लेकर लिखे गए,
जिसमें हिंदू मुसलमान अंग्रेज लुटेरे लफंगे मुकदमेबाज मारपीट करने वाले रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। शपथ 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला। ठीक है, अब बात करते हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी जी की। इनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ था और मृत्यु संवत 1982 में दिसंबर 1925 ये सन में दे दिया गया। ठीक है, दिसंबर 1925 में यानी संवत 1982 में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे। समाज सुधार के भाव कैसे जगे कि हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते पड़े। साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। साहित्य समाज का दर्पण जरूर होता है लेकिन साहित्य समाज का मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए जितना अच्छा साहित्य लिखा जाएगा समाज को कहीं ना कहीं समाज की पूरे समाज को नहीं तो एक धारा को तो कम से कम उससे मार्गदर्शन प्राप्त होता ही होता है। साहित्य सेवा के विचार से उन्होंने भारतेंदु नाम का एक पद कुछ दिनों तक वृंदावन में से निकाला था। जन्म इनका वृंदावन में हुआ था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे और उसके पक्ष में हिंदू बांधव ने कई लेख लिखे थे। इनकी भाषा इनकी गठी हुई होगी। इन्होंने बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण। ये सभी याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी जी के ये नाटक। इसमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का एक चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक नाटक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने मिर्जा जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यास का अनुवाद भी बंग भाषा से किया। ठीक है, चलिए राधा शरण गोस्वामी जी के बाद हम बात कर लेते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक है ना। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा गई। अवतार मीमांस आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। पढ़ा होगा आप सभी ने बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास। गद्य रचना की भी विवेचना इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी हैं। पावस पचासा तो ज्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन गद्य काव्य मीमांसा के लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास है ये बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने के स्थान पर ये इनने उनने लिखते थे। आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा बोलते इनने उनने, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी भी इन्होंने उन्होंने की जगह पर क्या लिखते थे, इनने उनने। ठीक है, ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल्यकाल से ही करते थे जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा में एक ललिता नाटिका लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है।
पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्रिका को संभाला था। हरिश्चंद्रिका जब पत्रिका अपने गिरने लगी थी, मतलब कहीं ना कहीं उसके पतन की ओर पड़ी थी, तब पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने उसको संभाला था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कवि राजा श्यामल राज जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जादी ठहराया था, आपको पता है कि श्यामल दास जी पृथ्वीराज रासो को जादी मानते हैं ना, रासो संरक्षा को लिखकर उन्होंने उसे असल सिद्ध करने का प्रयास किया था। ये चीज पूछी जा सकती है और आपको ध्यान रहनी चाहिए। रासो संरक्षा लिखकर पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने उसे असली सिद्ध करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब बात करते हैं पंडित भीमसेन शर्मा की। ये पहले स्वामी दयानंद के दाहिने हाथ है ना, संवत 1940 से 19 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी फारसी भी निकाले। अब देखिए, दयानंद सरस्वती जी के दाहिने हाथ थे तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी चाहिए। इन्होंने आर्य सिद्धांत नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी, पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत, संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति, देखिए विशेष है ये, संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़ी जोर से दी थी, है ना। इन्होंने क्या कहा था, जितने भी ये अरबी और फारसी के शब्द हैं इनको भी हम संस्कृत बना डाले। भीमसेन शर्मा जी ने दयानंद सरस्वती जी के ये दाहिने हाथ थे। जैसे दुश्मन को दुखमन, दुश्मन सिफारिश को शिप्रासिस, चश्मा को चक्षमा शिकायत को शिक्षा यत्न इत्यादि, और एक बहुत ही विलक्षण मत था वास्तव में। चलिए, हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती शायद अगर इनके मत को मान लिया गया होता। बात करते हैं काशीनाथ खत्री जी की। इनका जन्म संवत 1906 में आगरा के माइथान मोहल्ले में और परलोक सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहाँ के एक अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे वहाँ। संवत 1948 यानी 9 जनवरी सन 1991 में हुआ। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाकुलर रिपोर्टर के का काम करने के पीछे मतलब बाद में होता है। और ये देखिए, जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ और सन प्रचलित हुए, तब से ज्यादातर शुक्ल जी ने कोशिश की है कि संवत के साथ में वो सन का भी प्रयोग करते नजर आ रहे। ठीक है, तो वर्नाकुलर रिपोर्टर का काम करने के पीछे ये लाड साहब के दफ्तर में पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे, नीति कर्तव्य पालन, स्वदेश हित, ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तकें लिखने की ओर इनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य के कोटि में आने वाली इनकी रचनाएं बहुत कम है। ये 3 पुस्तकों के उल्लेख योग्य है, ये भी आपकी ज्यादातर पूछी नहीं जाती है परीक्षाओं में थोड़ा, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार, ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, ठीक है, 3 ऐतिहासिक रूपक और बाल विधवा संताप। ना बाल विधवा संताप थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है सिंध देश की राजकुमारियां, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई करने वाली घटना को लेकर लिखा गया है। दूसरा गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। तीसरा है लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा का आधार के आधार पर। अब इन तीनों को जो ये इन्होंने रूपक लिखे हैं, हो सकता है कभी आयोग एकदम डीप पहुंचने पे करा, एकदम उसको लगे कि नहीं इस बार प्रश्न पत्र एकदम कठिन बनाना है, तो इनको भी पूछ सकते हैं। देखिए, पूछा कुछ भी जा सकता है।
लेकिन हमें पहले वो तैयार करना है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद जब दोबारा हम रिवीजन में पढ़ेंगे, जब भी हम दोबारा रिवीजन करते हैं किसी एक भी चीज का, बार बार हम रिवीजन करते हैं, तब इस तरह की चीजों को हम अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तब हमारे दिमाग में और पक्का हो चुका होता है। ठीक है, चलिए। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए थे, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यान, लैबगर का अनुवाद, नित्य उपदेश, लैकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, दादा भाई नेहरू जी के व्याख्यान का अनुवाद, भाषा त्रिकालिक कर्नल ऑलकॉट के व्याख्यान का अनुवाद। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारत की वर्ष की अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारत वर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र, भारत भाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है इत्यादि छोटी छोटी पुस्तकें और एक थी। चलिए अब बात कर लेते हैं राधा कृष्ण दास की। ये भारतीय हरीश चंद्र के फुफेरे भाई, यानी फूफा जी के बुआ जी के पुत्र। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रथा पूरा किया था। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा भारतेंदु जी का अधूरा नाटक था, जिसे राधा कृष्ण दास जी, जो इनके फुफेरे भाई थे, उन्होंने पूरा किया। इन्होंने पहले पहल दुखनी वाला नाम का एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरीश चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्म पत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय और कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती और मेवाड़ कमेटी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय पद्मावती की घटना को लेकर हुआ। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी है। महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी याद रखिएगा, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगहों पर हुआ। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सारे पात्र, सब पात्र भी आदर्श के ढांचे में भले हुए हैं। कथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त, उनमें कहीं कहीं ओज भी पूरा, वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव और उसकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद ना। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नाम का एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद भी इन्होंने किए, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या ना करता। उसके बाद अगर हम बात करें कार्तिक प्रसाद खत्री जी की, इनका जन्म 1908 में, मृत्यु 1961 में। ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों पे रहे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल 1974 ईस्वी की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा ना हुआ। ध्यान रखिएगा, इला, प्रमिला, जया, मधुमाली इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए हुए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से लिखे। ज्यादातर जो ये लेखक आप देख रहे हैं, ज्यादातर इनकी एक दो बहुत छोटी छोटी विशेषताएं और इनके जो नाटक और उपन्यास यानी ग्रंथ हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। सुन एक बार पूरा लीजिए, इनकेस अगर कोर्ट में इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आपसे छूटे। सुनना बहुत जरूरी है, बाकी इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर रटने वाली चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बात करते हैं फ्रेडरिक पिंकॉट की। इनका उल्लेख पहले हो चुका है, ये कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। उन्होंने दो पुस्तकें हिंदी में लिखी है, बाल दीपक, ठीक है, बातचार नागरी और कैथी अक्षरों में जो लिखी गई, और दूसरा विक्टोरिया चरित्र। ये दोनों पुस्तकें खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर से छपी थी।
बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, उसके एक पार्ट का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं चलिए पैटिक पार्ट में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल के रखो, मैली ना होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली तले दब कर फट ना जाए। विक्टोरिया चरित 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषाओं के पात्रों की भाषा के अपेक्षाकृत अधिक, उनकी पत्रों की भाषा के अपेक्षाकृत अधिक मुहावरेदार है, मतलब मुहावरों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। उनके विचार के लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने सन 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं, आपका सुखद पत्र मुझे मिला और मुझको उससे और उससे मुझको परम आनंद। आप तो समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिमी वासियों के लिए सबसे भारी बात। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों के में नहीं प्रवृत्त होते, तब तक उस देश का परम सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा को के प्रचलित करने का उपयोग किया। देखो 80 बरस हुए बंगाली भाषा मेरी अपभ्रंश भाषा थी। पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थी, परंतु अब क्रम करके सवारने से निकट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह से चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग अपनी हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिला। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में हजार बरस तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते। उन फारसी बातों को देश भाषा से निकाल देना असंभव है। इसके लिए उनको निकाल देने का उपयोग मूर्खतापूर्ण काम है। हिंदुस्तानी पुलिस के करतूतों को सुनकर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को उन्होंने देखा था, कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्मों की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हूँ। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही ना हो जावे जैसे हमारे इंग्लिस्तान, तब तक इस बात का पीछा न छोड़ूंगा। भारतीय हरिश्चंद्र जी को एक चिट्ठी पिंकार साहब ने ब्रज भाषा पद्य में लिखी, और ये पद्य आप याद रखिएगा, पिंकार साहब ने लिखे थे हरिश्चंद्र जी को, बहुत बड़ी बात। बैस वंश अवतंस श्री बापू हरिश्चंद्र जी क्षीर नील कलहंस तुम उत्तर लिख दे दिवो, पर उपकार में उदार आपनी अवनी में एक हासत अनेक यह राजा हरिश्चंद्र। देखिए वो बात करें फिर भी उन्होंने हिंदी को कितना सहयोग किया था ये भी बहुत बड़ी बात। विभव पढ़ाई विप वसन विलास लग कहत यहाँ के लोग बाबू हरिश्चंद्र चंद वैसो अमी आनंद कर आरत को कहत कविंद ये भारत को चंद कैसे अब देखे को बतावे कहाँ पावे हैं कैसे वहाँ आवे हम कोई मति मत। श्रीयुत सकल कबिंद कुल नुत बाबू हरिचंद भारत हृदय सतार का उदय रहो चंद। तो चारकारी की बात करें, फातेंद्र के समय में साहित्य निर्माण का कार्य तो दूर से चल पड़ा था, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी, इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनना ही समझा जाता था। आज भी कहीं ना कहीं वही चल रहा है।
सब पढ़ते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी। इसे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी नागरी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने जाना पड़ता था। जितना उस समय हरिश्चंद्र जी ने, उनकी मंडली ने और अन्य लोगों ने कर लिया, हम लोग कभी नहीं सोच ही नहीं सकते। उन्होंने इस संबंध में कई पंपलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी जिसमें भारतेंदु जी का बड़ा मार्मिक व्याख्यान था। वे जहां जाते अपना मूल मंत्र अवश्य सुनाते, और ये मूल मंत्र आप सभी को जरूर से पता होगा, निज भाषा उन्नत अति सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के विकट नहीं को सुन। इस प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते करते कई स्थानों पर हिंदी के प्रचार के लिए सभाएं स्थापित की। बाबू तोता राव द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा 1884 हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई। सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उपयोग किया। सफलता न प्राप्त होने पर इसका उद्योग बराबर चलता। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ियां तैयार थी तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार में काम भी बहुत शक्ति प्रचार के काम में भी लगा, लिखने के साथ में प्रचार भी करना पड़ा और इसमें भी अपनी शक्ति लगा। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यो ज्यो हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नव शिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी, जिससे हिंदी की पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ ही नहीं पाता। भाई नौकरी चाहिए, नव शिक्षकों को, शिक्षित लोगों को जो चाहिए, सब उसी के पीछे भागेंगे। अब क्या तेरा मेरा अपना पराया किसको पढ़ी है मातृभाषा। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में ना होने से तक जनता का कोर संकट भी सामने था। अतः संवत 1950 के कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरी प्रचार की सभा की स्थापना। सच पूछे तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का ही फल रखेगा। वे ही आज से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इसके बड़े उद्योगों में तत्पर इसे बड़े उद्योगों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। इनके सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों के में से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र एमए, खड़क विलास कृष्ण के स्वामी बाबू दीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद कुटिया। इस सभा के उद्देश्य दो हुए, कौन कौन से? नागरी के अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। नागरी प्रचार की सभा के बारे में हम आगे डिटेल अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग इतना कीमती समय देते हैं, शुक्ल जी को तैयार कर रहे हैं, निश्चित ही आपको इससे लाभ प्राप्त। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, समय देकर देखने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।